बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइडियाज़ क्रिएटिव में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा बिस्किट कस्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने लिए हैं कैंडी बिस्किट्स के 3 पैकेट, तो हम इनको कट करके निकाल लेते हैं। इस तरह के आपने बिस्किट्स लेने हैं। फिर हम इन बिस्किट्स को किसी पैकेट में डाल के इनको इनका चूरा बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं डाल के। ये कोई वजनी सी चीज़ लेके तो आप इनको ऐसे पीस लें। हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा इनको मोटा रखना है। देखिए चूरा बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आपने ना ज़्यादा बारीक करना है और ना ज़्यादा इसको मोटा छोड़ना है, आपका इस शक्ल हो। फिर हम इस चूरे को ग्लासेस में निकाल लेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी और 3 ही उसमें। ये आपके बिस्किट दरदरे से होने चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं होने। अच्छी तरह से ग्लास में डाल के इनको इक्वल कर लें। फिर हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और तब तक हम अपना कस्टर्ड रेडी करेंगे। अभी हम कस्टर्ड रेडी करेंगे तो सबसे पहले फ्लेम ऑन करें। तो 2 कप मैंने लिया है दूध। फ्रेश मिल्क होना चाहिए, इससे कस्टर्ड बहुत अच्छा बनता है। अच्छी तरह बॉयल आने तक आप पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम। जब तक दूध में बॉयल आता है तब तक हम अपना कस्टर्ड रेडी करते हैं। ये मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है कस्टर्ड। 2 चम्मच हम इसमें कस्टर्ड के ऐड करेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। इससे आपका कस्टर्ड ज़रा थिक बन जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 टीस्पून हम इसमें ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इनको। इस तरह का आपने मिक्सचर सारा रेडी कर लेना है। दूध में तकरीबन बॉयल आ चुका है, ये देखिए दूध उबल रहा है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ये कस्टर्ड ऐड करेंगे और साथ ही साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। तो ये क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था तो ये बहुत जल्दी आपका गाढ़ा हो जाएगा। अच्छी तरह से चम्मच हिला लेना है। अच्छी तरह से कस्टर्ड में चम्मच हिलाते रहें ताकि ये थिक हो जाए। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें शुगर डालें। अच्छी तरह मिक्स कर दें। कस्टर्ड तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड बनके बिल्कुल रेडी है, तो वो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। ये मेरे पास कुछ नट्स हैं, तब तक हम इनको निकाल लेते हैं और इनको छील लेते हैं। अगर आपने इसमें बादाम डाले हैं तो आप इसको पहले भिगो कर रख लें, इससे ये नरम हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए बादाम, अगर आप बादामों को भिगो के रखेंगे तो ये काटने भी बहुत आसानी से आपसे कट जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आसानी से कट जाते हैं। बिस्किट के जो हमने चूरा बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें इसकी शक्ल चाहिए थी कस्टर्ड की, बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना आपने, फिर आपकी जो लेयर्स आपने बनानी है वो वाजिया नहीं होंगी। ये मैंने एक और ग्लास में डाल लिया था क्योंकि चूरा जो ज़्यादा बन गया था, तो फिर मैंने और डाल लिया। अब हमने जो नट्स काटे थे हम इसमें वो स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए बस
बादाम, ये पिस्ता मैंने काटे थे ये डाल लें, जितने भी आप इसमें डालना चाहें डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, अच्छी तरह डाल लें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट कॉकटेल, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। आप इसमें जेली भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाल के हमारे पास फिर जो चूरा बचा था हम इसके ऊपर फिर वो स्प्रिंकल कर देंगे, ये डाल देंगे। ये डाल के हम इसके ऊपर फिर थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डाल देंगे। इससे जो हमारी लहरें बनेंगी बहुत अच्छी सी बनेंगी, लेयर्स। देखने में भी ये बहुत मज़े का लगेगा, और जब आपका खाना देखने में अच्छा लगेगा तो फिर उसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बिस्किट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम पैसों पे बन जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।